अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जाने तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है, वो है मैंने गुजराती सीख ली, भारती ने गुजराती सीख ली। मैं अभी पराठे वाली गुजराती बोलती। क्या चाहिए थी आपने? घर चाहिए बटाटा एंड कांदा के साथ झोले ने पूरा ब्लॉग देखा है। बच्चे को माँ बाप से जुदा कर दिया। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। आज हैप्पी डे है क्योंकि कल कुछ गिफ्ट आए। आज गोला खोलेगा, बोले मम्मा किची कर दो, मम्मा किची, मम्मा को किची नहीं कर रहा, मम्मा को किची, मम्मा को किची, मम्मा किची, मम्मा किची नहीं करता यार, बेइज्जती हो गई। गोले गिफ्ट खोलो फटाफट। ये गोले से ज्यादा रूपा दीदी एक्साइटेड होती है। ये गिफ्ट 2-3 दिन पहले आए हुए थे। रूपा दी कब से मेरे पीछे पड़ी है। दीदी क्या हुआ रूपा दीदी, गिफ्ट कब खोलेंगे? उनको होता कि मैं देखूं अंदर क्या है, और फिर अगर कोई ऐसी चीज निकले जो बाबू के पास है तो फिर ये बोलेगी दीदी ये बाबू के पास है। बाबू, अरे भाई खोलने दे, फाड़ रहा है, फाड़ रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये अपने बाप के गाने की तरह बच्चा है, मलंग। मलंग 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 लिंबाची है, तुम्हारा नाम मलंग लिखते। साडा ती मुंडा गंद बड़ा पांदा, नाल उदी नैनी ज्यादा गंद पांदी, दोनों ए गंदे बड़े। वाह बाबू तो एक मिनट देगा, लेकिन शीला हाँ ये निकाल के तू डब्बा ले जा। जिसका जो काम होता है उस चीज से डरता ही है, उसको पता सफाई तो वो सफाई से डरती है, इसीलिए गीला कपड़ा छोड़ के डब्बा लेने आ गई। इसमें बहुत प्यारा ट्रेन वाला गोले का डिनर सेट है। ये है गिलास, ये है छोटी सी कटोरी, ये ट्रेन वाली बड़ी कटोरी। नो 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 नो, अरे 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 चाचा चाचा चाचा, अरे चीचा। गोले क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो गोले, ये क्या कर रहे हो, इधर देखो क्या हो रहा है ये। 20 minutes later. So, कितने दिनों से पांडे जी को और संतोष को खांसी लगी हुई है, और मैंने बोला कि दवाई लो, लेकिन दवाई नहीं ले रहे। और एक हफ्ता हो गया। प्लीज जब भी मैं आती हूँ इतना खांसते हो दोनों दादा, आप भी गाड़ी में बैठते ही। हाँ, वो जब आप दिखती है तभी खांसी चालू हो जाता है। क्या मैं बर्फ हूँ? इसके पहले आता ही नहीं खांसी। मतलब क्या करे, काम आप छोड़ोगे कि मैं? फिर तभी एग्जाम का दिखना बंद होगा। और आपको क्यों नहीं आ रही खांसी? पंडित जी से मेरा अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तुम्हें मतलब अकेले रहते हो तो खांसी नहीं आती होते इतना, और अभी लोग आ जाएंगे तो हो जाता है, फिर कंट्रोल करना पड़ता है। वो कैसे करता है? रुक जाता है। जैसे ऐसा आ रही है तो फिर क्या करेगा? ऐसा हो जाता है गला, गंदा इशारा ना करे, क्यों लड़की आए तू ऐसे करने लग जाए। नवाबी हमें रास्ता नहीं दे रहे, और फोन पे, साइकिल पे फोन पे। वाह जी वाह, बीवी से के साथ लगा होगा बेचारा। कैसे पता? क्योंकि वो मान नहीं रहा, हट नहीं रहा। सही बात है, बीवी के साथ लगा होगा पांडे जी। किससे बात करेगा? आपको कैसे पता? ऐसा चाचा का बेटा थोड़ी और किससे बात करेगा। प्लीज गाइस ये बात का ध्यान रखा करो, जब आप बाइक स्कूटर साइकिल स्कूटी जिसमें भी होते हो कार में इससे लगा के ऐसा करते हो, मुश्किल हो जाएगी किसी दिन, है ना। डरना नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। तो उल्टे वाले पे गया। धुन पता क्या होती है?
धोन पता नहीं, तोन मेनु पता है, तोन है, हाँ तोन है। एक्सरसाइज है, कोई कहते ओ माय गॉड उसकी धोन भी बढ़ गया, धोन ही तोन, हाय मेरी तोन मरोड़ी गई, बोल हाय मेरी धोन मरोड़ी। सो गाइस मैं अभी फराटे वाली गुजराती बोलती हूँ, आप मेरे को कुछ भी पूछ लो मैं आपको गुजराती में जवाब दूंगी। हर्ष मैंने सीख ली, चल अच्छा। पूछ कुछ। क्या चाहिए थी आपड़े? घर जाइए जी। अच्छा खावानू छे रात्र? खावानू छे अपना आलू का शाक और रोटली रोटला। आदमी आलू, की आलू नहीं बोलते, आलू तो बोलते ही नहीं हम लोग। अच्छा बटाटा नी शाक, बटेटा बटेटा एंड प्याज नी शाक एंड प्याज एंड कांदा नी शाक। प्याज नहीं, बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। बटाटा एंड कांदा नी शाक एंड रोटला। अपने जिया रही है नाम सोचे? अपना जिया रही है वो नाम अगर मैं व्लॉग में बताई दी तो पूरा गांव इधर आ जाए। आजाओ भाई अपने पकुआ का ही घर आओ निरंजन आओ। मुझे ऐसा लगता है कि कब ऐसा हम घर को टर्न ले रहे होते हैं, और यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है, और हर्ष मुझे लगता है कि कभी ऐसा गाड़ी उसके आगे लगा देगा और मेरा हाथ पकड़ेगा और बोलेगा चल मेरे साथ, और मैं कहूँगी क्या कर रहा है यार लेट हो रहा, बच्चा वेट कर रहा, बच्चा वेट करता रहेगा पर तुझे मैं कुछ दूंगा। और फिर वहां से उस आदमी को, अंदर वाले आदमी को आंख मारे और वो मेरे लिए 50 लाख का सेट लेके आए, और मैं बोलूं हर्ष ये क्या है मेरे लिए? ऐसा करके मुझे कुछ कर दे। सडनली गोले ने तेरे पे सूसू किया और तेरी आंख खुली और तू बेड पे थी सो रही थी। सो गाइस जिस रोड पे हम रहते हैं हम बताएंगे नहीं हम कहाँ रहते हैं, बट आज और कल इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी ना कि इतने दीवाने दीवानियां होंगे, और रात को 1:30 बजे ए राहुल इस पोस्टर क्लास में डाल ले। दोस्तों पार्टी करो तो छोड़ो मत, रोज मैंने पार्टी छोड़ी, मेरी ऐसी छुट्टी कि आज तक पकड़ नहीं पाया पार्टी लाइफ। और तुम्हारी पार्टी छुट्टी कैसे? शादी के बाद छुट्टी है भाई। तो मगर ध्यान रखो, पकड़ के रखो। इस बात को खुश होकर भी बोल सकते थे ना, खुश हो अब कौन सी पार्टी छुट्टी है, कोई तेरी बीमारी या जख्म थोड़ी है जो आए आए आए। कभी मैं और हर्ष भी छावा छावी एंड निब्बा निब्बी एंड चोकरा यानी चोकरा है डिब्बा डिब्बी एंड होर की कहते हैं पंजाबी दे सेली सेला और आप में क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पांडे जी? क्या बोलो हम? छोरी पटाइला। छोरी पटाइला, छोरी पटाता है। हाँ छोरी पटाइला पांडे का छोरा। पांडे जी का बेटा हूँ। ये कैचे खा ले हो? कैचे खा ले हो? ओफ कितने दिनों बाद दोस्तों मैं अपनी बालकनी में आई। अच्छा मैं कम से कम मैं आई होंगी दिवाली के आसपास, उसके बाद मैं फिर बालकनी में बहुत कम आती, सुबह आती थोड़ी सी धूप लेने या फिर पता नहीं क्या करने आती, और मुझे याद भी नहीं आ रहा गोले के कारण हमको ये जो ग्रिल है ये ऊँची करनी पड़ी थोड़ी। वैसे तो अभी गोले को इतना होने में बट टाइम है, लेकिन अभी घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत डरते हैं, तो उनको लगता है कि बना दो, और अच्छी बात भी है कभी कभी बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए, ये सही होता है। ये कैसे खिला रहे हो मजदूर बच्चे को? नहीं दीदी ऐसे लगा अभी लेंटर डाल के बैठा है। वाहू अच्छा गोले मम्मा को किची। मम्मा को किची। समाचार आपकी बात कहनी है। सो गाइस आज फर्स्ट टाइम गोले ने पूरा व्लॉग देखा है और कुछ नहीं कहा, और वो नंगा है मैं ढक देती हूँ। इधर दो पापुड़ी इधर। हाय हाय क्या मतलब बाप जाए क्या बेटा जाता है ना, बच्चों से काम करवाना पाप होता है। जा ले आजा नीचे से निकाल निकाल नीचे से। किधर गया दिखाने क्या तेरे को? गधू मेरे बेटे को गधू क्यों कहता है? अगर वो गधू तो तुम फिर क्या हुए?
मैं गधा हूँ इंसान हूँ। क्या हुआ? इंसान। अच्छा, खुद इंसानू और वो गधू, और इसी के साथ वार्डन आ गई और बच्चे को माँ बाप से जुदा कर दिया। तो दोस्तों ये देखो बच्चा, ये जब भी हमें टीवी पे देखता है ना, सबसे पहले अंगिला देखते हैं। इसको कुछ होने लग जाता है, ये देखो, ये पसंद नहीं करता। बोले क्यों यार, मम्मा पापा आ रहे, देखो। बोले क्या? ये देखो दोस्तों, हमारी परफॉर्मेंस देखने का हमसे कुछ मांग रहा है, चप्पा मतलब मट्ठी। चप्पा क्या? चप्पा हटो हटो, चलो हटो इधर। हाय रब्बा। अरे रुक जा, बोत रुक जा। हाँ बेटा रुक जा, रुक जा। शीला गड्ढा। अरे बस बेटा। अब ये हमें देखेगा अच्छे से, क्योंकि इसको मट्ठी मिल गई है ना। A few moments later. तो चलिए जी, हर्ष और गोला इतना खेले कि गोला अब सो चुका है और हर्ष बाहर कोई वेब सीरीज देख रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं आजकल बाहर भी जाती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, और कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। जनवरी में कुछ आने वाला है, वो पहले भी आ चुका है, लेकिन बस आने वाला है यार, उसकी तैयारियां चल रही है, मीटिंग होती है, कपड़े ये वो बहुत सारी चीज़ें। चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ, बाय बाय। और हाँ, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ठीक है जी, बाय। स्किन देख रहे हो दोस्तों, इसका मुंह गोरा है और बाकी फिर हर जैसा है। मैल खोरा नहीं है मैं, गोरा चिट्टा मुंडा हूँ मैं। जी गाइस, आपने देखा भारती, भारत नहीं जानता, हर कोई जानता है इनके कॉमेडियन से, इनके जो इन्होंने मेहनत की थी स्टार्टिंग में शादी से भी पहले, तो वो कॉमेडियन के नाम से इनकी एक पहचान बन गई थी, भारती कॉमेडियन। तो हमने भी आज सोचा कि हमें भी थोड़ा बहुत कुछ चुलबुलापन होना चाहिए, कॉमेडियन की तरफ जाना चाहिए, तो हमने भी चुना भारती को। तो बाकी नो डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉमेडियन करती है, और हमेशा लोग मियाँ बीवी चुलबुले ही रहते हैं, और गुजराती हमने बोला चले देखें कि गुजराती में इन्होंने क्या क्या सीखा है भारती ने। तो गुजराती में हमने भारती से सीखा कि क्या क्या आलू को क्या बोला, बटाटा एंड प्याज और रोटला और क्या, यानी सेम भारती की भी मेरी तरह ही गुजराती है। मैं भी ऐसे ही हूँ, चलता है। और तो यही है ना बस, भारती देखो जो भी एक बहुत अच्छी कॉमेडियन है, ठीक है, उनका एक अभी इंडिया में समझो एक नाम बन चुका है, बहुत बड़ा नाम बन चुका है, कि मैं बोलता हूँ जो एक्टरों को हंसा दे बहुत मुश्किल होता है, एक्टरों को हंसाना, वो खुद एक्टर होते हैं, वो खुद लोगों को हंसा रहे होते हैं, उनको हंसाना, वो मैं बोलता हूँ सलमान खान तो जो हंसता है, इसकी मिमिक्री जो ये करती है और ऐसा हंसता है कि बस वो तो बोलता है भारती चाहिए। अच्छा, हम शौक से इनकी कॉमेडियन देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब गुजराती में बात आई तो मैं 4-5 अल्फाज पूछूंगा गुजराती के भाई, भारती बन गई हो थोड़ी देर के लिए, भारती बन गई, एग्जाम हो रहा है आपका, तो गुजराती में पूछोगे? हाँ बिल्कुल गुजराती में पूछूंगा, जैसे भारती का पूछा गया तो तुम भी जवाब कॉन्फिडेंट होना चाहिए भाई, उसने भी तो टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया ना। ओके, भले नहीं आती थी लेकिन बोला उसने। हाँ बोलो, मैं भी गुजराती में, हमको पीछे थोड़ी, हम भी। हाँ ठीक है भाई, अभी हमने क्या जाओ छे, हमने हमारे क्या जाओ छे, घर, सिर्फ घर। ओके, क्या घर, घर जाओ छे, बहुत जबरदस्त जवाब था, घर गुजराती में जवाब दिया, घर घर मैंने घर जाओ छे, नहीं तो भाई मैंने सही बोला है, कमेंट में बताइएगा क्या कैसे, मुझे तो पता है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, आपने हमने घरे जाई ने सू
भोजन करवाना। एक मिनट, सुबह भोजन करवाना, मुझे सोचना चाहिए। ओके ओके, एंड चिकन और शिमला मिर्च। तो गुजराती में चिकन, गुजराती में पूछो, ओके बताओ ना। मुर्गी और शिमला मिर्च बोलेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि इसे जवाब दो, हम घर जाएंगे तो ये खाएंगे। हाँ, अच्छा पूरा बोलो क्या भाई, ये मसू मसू को क्या कहेंगे? हमरा घर जाओ छे हमरा घर जाओ छे और रोटला खाओ छे, खाओ से मुर्गी और शिमला मिर्च खाओ छे। अमिताभ बच्चन भी तीन लाइफ लाइन देता है, तो मैं कंप्यूटर जी आपके सामने तीसरा सवाल रखा जाता है। तो तीसरा थोड़ा सा इजी पूछो यार। अब हमने हमें आईसी जावाना, हाँ एना बादे हमने क्या जाओ छे, एना बादे हमने मैं अभी हूँ जाओ छे फोटो शूट मा एंड कुर्तियों नी फोटो शूट मा और एना बाद घरमा जाओ छे और फिर खाओ छे, फिर मैं इधर जाएं उधर खाएं इधर पीं छे 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 क्या छता। ये भी अपनी एक एंटरटेनमेंट हो सकता है। देखो आप लोग मेरी हेल्प करना और सब ओके लिखना कि मीना मलिक ने बिल्कुल राइट आंसर दिए, बिल्कुल सही बोला। एक और भारती पैदा हो गई है। यस, खैर व्लॉग की मैं बात करूं तो बहुत ही रियल व्लॉग था, रियल व्लॉग, यानी कोई नाटक नहीं, कोई फेक नहीं। तो इनके व्लॉग मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे इनकी मतलब वीडियो बनाना रियल लगा, जो हो रहा है सो हो रहा है, बिल्कुल बच्चे के साथ खेलना, सारी रियलिटी जो जहन में आया, जो मुंह में आया, जो सच्चे वो सच्चे, बिल्कुल। और यही किसी भी व्लॉग की खूबसूरती होती है, बिल्कुल। यस, तो यही वीडियो तो जो थी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। भारती में कॉमेडियन बहुत अच्छी है, तो इनकी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाजत।